हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फिशर इंडल सिंथेसिस। लास्ट में हमने देखा बिचलर नेपल्स की रिएक्शन। तो फिशर इंडल सिंथेसिस स्टार्टिंग मटेरियल होगा इसमें फिनाइल हाइड्रेजिन बेंजीन रिंग पर एनएच टू ग्रुप और एक होगा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। और जो कंडीशन होगी वो एसिडिक कंडीशन होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें यूज़ करते हैं। तो देखते हैं मैकेनिज्म। फिनाइल हाइड्रेजिन है, यहाँ पे NH2 है और ये कीटोनिक कार्बन वाला ग्रुप है, अल्फा कीटोनिक ग्रुप या तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। दोनों के बीच में रिएक्शन होगी एसिडिक मीडिया में। पहले यहाँ पे NH2 और कीटोन के बीच में रिएक्शन होगी, इमाइड लिंकेज बन जाएगी, वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव होगा। यहाँ पे H2 और यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ पे N डबल बॉन्ड, इस तरह की लिंकेज बन जाएगी। यहाँ पे R, बाद में यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये सिंगल बॉन्ड पर ट्रांसफ़र होगा और ये डबल बॉन्ड है वो फिर से नाइट्रोजन पर ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाया है हाइड्रोजन ने, ये हाइड्रोजन यहाँ नाइट्रोजन पर आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं इसको NH, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और बाकी का सब एसिडिक। तो देखो अब यहाँ पे 1, 2, 3 और 1, 2, 3, यहाँ पे 2, 3 पोजीशन और यहाँ पे भी 2, 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 3, 3 सिग्माटोपिक रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें डायरेक्ट जब ऐसी कंडीशन आएगी तो डायरेक्ट ही सिग्माटोपिक रीअरेंजमेंट होगी। यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये बेंजीन रिंग पर अटैक होगा और ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर अलग सा मिल जाएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन रखते हैं क्योंकि यहाँ पे अमाइड बन जाता है। जब अमाइड बन जाएगा तब हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे एक बॉन्डिंग हो गया है, आर ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH और मिथाइल ग्रुप एज इट इज। लास्ट में ये हाइड्रोजन फिर से यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और नाइट्रोजन को ये हाइड्रोजन वहाँ पे दे देगा। NH है, CH3 है, फिर से यहाँ पे NH2 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो लोन पेयर है वो इमाइडिक कार्बन पर अटैक होगी, तो ये इमाइडिक कार्बन है वो फिर से पाई बॉन्ड है उसका, वो ब्रेक होगा और वहाँ पे NH2 बन जाएगा और यहाँ पे रिंग बन जाएगी वो भी 5 मेंबर की। यहाँ पे NH आ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होता है और वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर जाता है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एक R ग्रुप है और एक हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और NH2 ग्रुप दोनों निकल कर बॉन्डिंग बना लेगा, यहाँ पे अमोनिया का लिब्रेशन होगा और हमें मिल जाएगा हमारा इंडोल। तो इस तरह से हम इंडोल की सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म है, अच्छे से देखो। और एक एग्जांपल है इसका, वो भी देख लेते हैं। वो दूसरा एग्जांपल है, उसमें साइक्लोहेक्सेन लिया है, कीटोहेक्सेन बोलते हैं उसको, साइक्लोहेक्सेन नहीं पर कीटोहेक्सेन। मैकेनिज्म दोनों में सेम होगी पर साथ में देख लेते हैं। NH2 फिनाइल हाइड्रेजिन के साथ रिएक्शन होती है
और यहाँ पे कीटोनिक कंटेनिंग ग्रुप, मीडिया वही होगा एसिडिक मीडिया, दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म ही लिखते हैं डायरेक्ट NH एन डबल बॉन्ड, यहाँ पे बाकी का सब एज इट इज। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है लास्ट थियरी में हमने देखा लास्ट मैकेनिज्म में, तो ये हाइड्रोजन डायरेक्ट ट्रांसफ़र होकर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन दे देता है और यहाँ पे बन जाता है हमारा बन जाएगा अमाइन, सेकेंडरी अमाइन NH, और यहाँ पे बाकी का सब एज इट इज़। यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो वही कंडीशन आ गई, 1 2 3 1 2 3, तो क्या होगा यहाँ पे 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगी, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगी। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरह से। हम लिखते हैं ये रिंग आ गई यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड NH है और बाकी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे NH2 बना लेगा, वो NH2 की जो लोन पेयर है, यहाँ पे NH2 की जो लोन पेयर है वो लोन पेयर फिर से ये अमाइडिक कार्बन पर अटैक होगी, यहाँ पर अटैक होगी, ये अमाइडिक कार्बन है, तो ये अमाइडिक कार्बन है वो ब्रेक होकर उसका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होकर, सी डबल बॉन्ड NH का पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होकर NH2 ग्रुप बना लेगा। वो NH2 ग्रुप लास्ट में क्या करता है, निकल जाता है, क्योंकि इसके बाजू वाले कार्बन में हाइड्रोजन है और अगर ऐसी कंडीशन है तो डायरेक्ट अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल कर यहाँ पे क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ओनली, ये वाला कार्बन नहीं आएगा, एक कार्बन हमने बढ़ा दिया, ऐसे ही 5 मेंबर रिंग बन गई NH, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिला हमें, ये भी इंडोल का स्ट्रक्चर है, तो इस तरह से हम इंडोल बना सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं बिगिनरी रिएक्शन जो है पिक्रिक एसिड की प्रिपरेशन, तो ये वीडियो अच्छी तरह से देखो और मैकेनिज्म उसकी अच्छी तरह से 2-3 बार लिखो तो आपको पता चलेगा कैसे ये सिंथेसाइज होता है। और ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं हमारी जो एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो उसमें से ही मैं लेती हूँ, MSc एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है काफ़ी बार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।